नमस्कार। मध्य प्रदेश प्राइवेट आईटीआई वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष विकास चौधरी। आज हम लोग एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं। जैसा कि आपने दो सेशन 22-23 में अनुभव किया कि प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन बहुत कम हो रहे हैं या ना के बराबर हो रहे हैं। काफ़ी सारे प्राइवेट आईटीआई हैं जिन्होंने अपनी सीट रिड्यूस कर ली हैं, काफ़ी सारे आईटीआईज हैं जिन्होंने अपना जीरो सेशन कर लिया है, और काफ़ी सारे आईटीआईज जो हैं वो एक या दो शिफ्ट ही भरकर बैठे हुए हैं और उन्हें स्टूडेंट ही नहीं मिल रहे हैं। रीज़न किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा अचानक से क्या हो गया कि आईटीआईज के एडमिशन जो हैं वो ज़मीन पर आ गए हैं। ओवरऑल यदि हम सिनेरियो देखते हैं ऑल इंडिया का, अलग अलग स्टेट को भी हम देखते हैं, तो सभी जगह पर यही स्थिति है कि कहीं पर 20%, कहीं 30%, कहीं 40%, कहीं 45% प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन हुए हैं। इसके विपरीत यदि हम गवर्नमेंट आईटीआई को देखते हैं तो लगभग ऑल इंडिया आपको 90% से कम शायद ही कहीं पर आईटीआई के एडमिशन दिखाई देंगे। गवर्नमेंट आईटीआई लगभग फुल हो गए हैं और सीटें भी उनकी लगभग सारी भर गई हैं, सिर्फ चैलेंज है प्राइवेट आईटीआई के साथ में। अब यहाँ पर यदि हम एनालाइज करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो किसी से भी यदि बात करते हैं तो एक ही मुद्दा निकल के आता है कि भाई गवर्नमेंट आईटीआई की क्वालिटी अच्छी है इसलिए वहाँ एडमिशन हो जाते हैं, प्राइवेट आईटीआई की क्वालिटी ख़राब है इसलिए वहाँ एडमिशन नहीं होते हैं। बट आपको भी पता है, हमें भी पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइवेट आईटीआई में भी एक से एक आईटीआई हैं, बहुत अच्छे आईटीआई हैं जहाँ पर क्वालिटी दी जाती है, पढ़ाया जाता है, टूल्स इक्विपमेंट लैब जो हैं वो गवर्नमेंट आईटीआई के टक्कर की हैं, तब भी वहाँ पर एडमिशनों की प्रॉब्लम है। सेकेंड एक कारण आता है कि फ़ीस स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट आईटीआई में बहुत ही मामूली फ़ीस पर एग्ज़ाम एडमिशन हो जाते हैं, और प्राइवेट आईटीआई में चूंकि फ़ीस ज़्यादा है तो एडमिशन नहीं हो पाते हैं। बच्चे को पहले गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेने की कोशिश करता है, नहीं होता है तब प्राइवेट आईटीआई में आता है वो, और गवर्नमेंट आईटीआई की डेट और प्राइवेट आईटीआई की एग्ज़ाम डेट एडमिशन डेट लगभग सिमिलर होती है, तो वो बच्चा शिफ्ट होने के मूड में नहीं आ पाता है। और गवर्नमेंट आईटीआई में भी बहुत सीटें हैं, एससीबीटी काफ़ी सारे थे जो कि एनसीबीटी में कन्वर्ट हो गए हैं, जो एनसीबीटी थे वहाँ पे सीटें बढ़ गई हैं, तो सीटों की अवेलेबिलिटी काफ़ी है। तो गवर्नमेंट आईटीआई भरे फिर प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन हो, वो स्थिति ही नहीं बन पा रही है। एक और कारण कि आईटीआई का जो प्रमोशन है, जो आज से 3 साल पहले 4 साल पहले हुआ करता था सरकार की तरफ से, न्यूज़पेपर में ऐड आते थे, एफएम पर ऐड आते थे, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलता था, गांव-गांव में विज़िट चलती थी, तो वो जो है बंद हो गया है या बहुत कम हो गया है। उस वजह से भी आईटीआई के एडमिशनों में अंतर आया है काफ़ी। जिन स्टेट गवर्नमेंट में स्कॉलरशिप सफिशिएंट है, जो अभी जो डीजीटी द्वारा मिनिमम फीस का एक स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया था उसके अनुरूप उन्होंने फीस रखा हुआ है, वहाँ पर एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स काफ़ी एडमिशन ले लेते हैं, गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट में भी ले लेते हैं, तो वहाँ पर प्राइवेट की आईटीआई की स्थिति काफ़ी अच्छी है और एक रिस्पेक्टिव लेवल पर पहुँच गए हैं। जिन स्टेट्स में स्कॉलरशिप नहीं है, ना के बराबर है या बहुत ही कम है, वहाँ पर एक डिफरेंस आता है एडमिशन का। यदि हम स्टेट वाइज एनालाइज करेंगे स्कॉलरशिप को लेकर, तो हमें एडमिशन के फिगर में डिफरेंस में अंतर समझ में आ जाएगा। इसके अलावा यदि आईटीआई प्राइवेट आईटीआई हम लोग चाहते हैं कि आगे और अच्छे चलें, अच्छे एडमिशन हो, जो शॉर्टफॉल इस बार आया है वो अगले साल ना हो, उसके लिए सभी आईटीआई को मिलकर सम्मिलित होकर प्रयास करना पड़ेगा। अलग अलग हम लोग डायरेक्शन में जाएंगे आईटीआई, तो इसमें माहौल भी नहीं बन पाएगा और एडमिशन भी नहीं बन पाएंगे। सभी आईटीआई वालों से एक निवेदन है
कि अपने ज़िले के सभी आईटीआई को संगठित करें, प्राइवेट आईटीआई इसको, और जिस तरह गवर्नमेंट आईटीआई एक नोडल बनकर काम करता है तो प्राइवेट आईटीआई भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नोडल बन के काम करे और बच्चों के हित में कंटिन्यूसली कैंपस लेकर आए, ओपन कैंपस ड्राइव लेकर आए जिसमें सभी आईटीआई के लोग सम्मिलित करवाएं, आईटीआई के बच्चों को नौकरी करवाएं लोकल लेवल पर और नेशनल लेवल पर। इसके अलावा कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाएं जिसमें सभी आईटीआई को सम्मिलित किया जाए, बच्चों को जो बेसिक डिटेल है, बेसिक नौकरी के लिए ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर है, पर्सनल डेवलपमेंट है या बेसिक ट्रेनिंग चाहिए, या जो आपके पास में जॉब्स अवेलेबल हैं इंडस्ट्रियल एरिया में जिसमें कि बच्चे मिल नहीं पा रहे हैं, उन जॉब्स के लिए जो मिनिमम स्किल सेट रिक्वायर्ड है उस स्किल सेट की ट्रेनिंग बच्चों को करवाई जाए, उनका सर्टिफिकेट दिया जाए संस्था की तरफ से और बच्चों को नौकरी पर लगाया जाए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोग उसको प्रमोट भी करें और एक माहौल बनाएं कि आईटीआई जो है वो नौकरी का एक सबसे आसान और जल्दी नौकरी पाने का तरीका है जिससे कि नेक्स्ट ईयर में हम लोगों को अच्छे स्टूडेंट मिल सकें, फीस हम लोग एक्स्ट्रा ले सकें, फीस ज़्यादा ले सकें। अभी जो हमारी फ़ीस चल रही है उसमें खर्चे निकलना पॉसिबल होता नहीं है तो फीस हमको बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ाने के लिए हमें क्वालिटी भी देना पड़ेगी। बच्चों को बुक्स हम लोग प्रोवाइड करवाएं, आईटीआईज में भी बुक्स वगैरह देना भी बंद हो गया है कोविड के दौरान से, तो बच्चों को हम लोग फीस में ही बुक्स प्रोवाइड करवाएं। ड्रेस के बारे में हम लोग सोचना चालू करें कि हर आईटीआई जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर अपना एक ड्रेस कोड बनाएं जिसमें सभी बच्चों को एक ड्रेस या टी शर्ट या शर्ट पैंट देना चालू करें जिससे कि एक आइडेंटिफिकेशन हो सके और सब लोग सम्मिलित होकर एकजुट होकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेट लेवल पर मीटिंग ऑर्गेनाइज करें और स्टूडेंट वेलफेयर में काम करें। स्टूडेंट वेलफेयर होगा तो आईटीआई का वेलफेयर होगा, आईटीआई की इनकम बढ़ेगी, आईटीआई अच्छे चलेंगे और जो हम लोग अभी टेंशन में हैं या फिर हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो सारी चीज़ें ख़त्म भी होंगी और हम लोग एक अच्छे लेवल पर पहुँच जाएंगे। अन्यथा जैसा कि सभी लोग चर्चा में आता है कि भाई अगली साल आईटीआई बंद कर देंगे, दो साल बाद आईटीआई बंद कर देंगे, देख रहे हैं कि आईटीआई चलाएं या ना चलाएं, यही टॉपिक हम लोगों में चलते रहेंगे और नेगेटिविटी बढ़ती रहेगी। इन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए हम लोग एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट स्टार्ट करें, स्टूडेंट वेलफेयर में स्टूडेंट के हित में हम लोग काम करना चालू करें और नेक्स्ट ईयर तक कोशिश करें कि आईटीआईज में एडमिशन जो हैं वो गवर्नमेंट के पहले आईटीआई में भर जाएं। बस यही आप लोगों से सुझाव है और इसमें आप लोगों का आगे स्टेप क्या लेना है, कैसे करना है वो आप लोग डिस्कस करिए और सभी लोग सम्मिलित होकर इसके लिए स्टार्ट करेंगे काम। धन्यवाद।